हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है कि बीएड वाले बच्चों का अब क्या होने वाला है, क्योंकि जहां तक हम ये देख रहे हैं कि 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है उसमें ओनली सिलेक्टेड जो बीएड कैंडिडेट है, जो कि हर राज्य में जहां जहां सिलेक्ट हो चुके हैं नौकरी में है, उन लोगों के लिए फैसला आया है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी राहत जो है मिली है। तो अब आप लोगों के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कि 2018 से 23 तक जितने भी बच्चों ने बीएड किया है उन्हें पीआरटी में शामिल किया जाना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ ब्रिज कोर्स को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज ये वीडियो जो है पूरी तरीके से ब्रिज कोर्स और उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बीएड किया है 2018 से 2023 तक, उन लोगों का क्या होने वाला है इस पर ही बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आपको बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड तो इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिले। सबसे पहली बात तो कि ये जो कमेंट आप लोगों ने किया है कि 2018 से 2023 तक करने वाले बच्चों को पीआरटी में शामिल करवाना चाहिए, बीएड 2018 से 2023 के सभी बीएड वालों को पीआरटी में मौका दे, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये क्वेश्चन जो है सही नहीं है, जेन्युइन है। जिन भी बच्चों ने जो है बीएड किया है 2018 से, उन्होंने अपने मन से तो किया नहीं है, एनसीटी के जो गैजेट आया था और जिसके अनुसार बीएड को पीआरटी में वैलिड किया गया था उसके आधार पर ही जो है बच्चों ने किया है। लेकिन मैं अभी बताऊं कि अभी इसको लेकर के जो है कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। ये जो 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है वो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए है जो कि बीएड अभ्यर्थी हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो इसको लेकर के किया जाना चाहिए जैसे कि आप लोग बोल रहे हो, तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें अभी जितना हमें नॉलेज है कि इसमें रिव्यू को ले जाने की बात हो रही है, कि जो फैसला 11 अगस्त 2023 को आया है उस फैसले को रिव्यू करने की जो है रिक्वेस्ट की जाने वाली है अभी, लेकिन क्लियर इस पर हुआ नहीं है। बट यस, रिव्यू वाले मामले को जो है लेकर के ये लोग जाने वाले हैं जैसा हमें अभी तक पता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जैसे कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे अपने इसी चैनल के माध्यम से। सेकेंड जो आप लोगों का कॉमेंट आया हुआ है वो कॉमेंट है आप लोगों का ब्रिज कोर्स को लेकर के। देखिए, पहले तो अगर सही बात बोले तो पहले तो ऐसा था कि ब्रिज कोर्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं माना गया। जब 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया गया था उसमें ब्रिज कोर्स के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन जो है उठाया गया था कि कोई ब्रिज कोर्स नाम का चीज होता नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं है, ऐसा टाइप का। लेकिन अब है कि ब्रिज कोर्स जो है बीएड वालों को कराने की बात हुई है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं और उन लोगों को जो है बीएड ब्रिज कोर्स करवा करके जो है 1 to 5 में रखने की बात कही गई है। तो ये एक छोटा सा स्टेप जो है पॉजिटिव स्टेप लिया गया है बीएड वालों के हक में। जो आपका क्वेश्चन है बीएड ब्रिज कोर्स के बारे में बताए, तो देखो बाबू, अभी इसमें जो है एनसीटी को टाइम दिया गया है कि इसके करिकुलम को, इसके कोर्स को जो है डिजाइन करे। ठीक है, 1 ईयर का टाइम इसको मिला है और उसके बाद ये जैसे ही अपना अनाउंसमेंट करेगी करिकुलम का, तो उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है बीएड के वो लोग जो है, सिर्फ सिलेक्टेड, मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ, सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट जो है उन लोगों को टाइम दिया जाएगा कि एक टाइम के अंतराल में, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है वो लोग ब्रिज कोर्स कर ले। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है कि जिन लोगों को सरकार ने खुद ब्रिज कोर्स करवा रखा है क्या उनके साथ असमानता नहीं हो रही है? देखो, यही तो बात है ना। अब यहाँ पर एनसीटी से आरटीआई करके जब पूछा गया कि ये ब्रिज कोर्स क्या है, तो एनसीटी ने साफ साफ कहा कि अभी इसका कोई करिकुलम नहीं बना है और इसको लेकर के जो है कोई भी इंस्टीट्यूट अभी नहीं करवा रहा है। ये तो इसने बहुत इजीली बोल दिया। लेकिन ब्रिज कोर्स जो कहीं कहीं किसी किसी राज्य में करवाए गए हैं सरकार की तरफ से, उन लोगों पे इतना बड़ा क्वेश्चन आपने जो है लगा दिया है, चाहे एमपी की मैं बात कर लूँ, चाहे बिहार में बात कर लूँ, इनका क्या होगा? तो इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं है, इस पर सारी चीजें जो है क्लियर एनसीटी ही करेगी। और हो सकता है कि वो सिलेक्टेड बीएड को कैंडिडेट को जो है ये फिर से एनसीटी वाला जो है ब्रिज कोर्स करने को करना पड़ेगा।
और ये जैसे ही अनाउंसमेंट एनसीटी करेगी, जो भी क्लेरिफिकेशन होगा इस चीज के बारे में वो हम आपको बताएंगे। बट ये सब कुछ अभी एनसीटी के हाथ में है। अनाउंसमेंट, ब्रिज कोर्स को लेकर के करिकुलम, कोर्स डिजाइन, ये सारी चीजें एनसीटी की तरफ से होगी। और 1 साल का टाइम दिया गया है, तो 1 साल तक ये लोग अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम, जो बीएड कैंडिडेट 2017-19 में ब्रिज कोर्स कर चुके हैं उनका क्या होगा? छत्तीसगढ़ में बीएड चयनित अभ्यर्थी जिनका 6 सप्ताह के समय सीमा दिया गया है उनका क्या होगा? छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बीएड अभ्यर्थियों को हटाने का, और एक टाइम दिया गया है, उसमें अभी क्या होने वाला है इस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अभी जो है छत्तीसगढ़ के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं तो सबसे पहला उनका ये काम होगा कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पे स्टे लगाया जाए, कि ये जो 6 सप्ताह के अंदर ये करने की बात है, बीएड वाले को हटाने की बात है, उस पे स्टे लगाया जाए। बट अभी इस पे कोई स्टेप लिया नहीं गया है, जैसे स्टेप लिया जाएगा वैसे हम बताएंगे। बट इसमें अभी यही एक चीज जो है हो सकता है, और जब 8 अप्रैल वाला फैसला आया है उसके बाद मन तो इन लोगों ने बनाया है, बट थोड़ा हम ये देखो, ऐसा होता नहीं कि सच्चाई से आंख नहीं बंद कर सकते हो कि हाँ नहीं ये सच नहीं है। फैक्ट यही है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया है वो बहुत पुख्ता, जिसको हम बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया गया है, तो उसका तोड़ लेकर के आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट टू आउटकम वाली जो बात हो जाएगी, वो सारे मैटर भी हैं इसमें। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जब काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला जो है हाई कोर्ट ही करेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे बीएड वाले जो है पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो अब इसमें ये किस तरह से निकल कर आते हैं, लेकिन इसका रास्ता यही है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्दी स्टे लाया जाए अगर वहां जाते हैं तो। अब इस पर जैसे कोई डिसीजन आ जाएगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ब्रिज कोर्स के बारे में मैंने अभी बताया, सारा डिसीजन जो है एनसीटी का होगा। एनसीटी ही बताएगी कि आगे क्या करना है, किन किन लोगों को जो है वो ब्रिज कोर्स करना है, जो कि एनसीटी डिजाइन करेगी, करिकुलम एंड देन अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही इंफॉर्मेशन है ब्रिज कोर्स एंड बीएड अभ्यर्थियों के लिए, कि अभी जो भी बीएड किए हुए हैं 2018 से 2023 तक, उन लोगों के बारे में अभी कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।